हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम शुरू करेंगे कला एवं संस्कृति, जिसमें पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। नगर तथा भवन। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ। नगर एक ऐसा विशाल जनसमूह होता है जिसकी जीविका प्रधानता उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। व्यावसायिक उत्पादन के विनिमय द्वारा उसे ग्रामों से धन प्राप्त होता है। यहाँ प्रमुख नगरों में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा हैं। जिसमें मोहनजोदड़ो का नगर दो मुख्य भागों में विभक्त था, जिसमें दुर्ग और निचला नगर दो तरीके से था। एक दुर्ग बोला जाता था, दूसरा निचला नगर बोला जाता था। जिसमें दूसरा प्रमुख बात थी बृहत स्नानागार। यहाँ मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हैं। जलाशय का फर्श पक्की ईंटों से बना है। फर्श तथा दीवार की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। यह बृहत स्नानागार की विशेषताएं देखी जा सकती हैं, जिसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें तीसरा है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें देखेंगे कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो इसमें मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। इसे मोहनजोदड़ो किस जगह स्थित है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मूर्तियां। हड़प्पा सभ्यता से मुख्यतः तीन प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें धातु की मूर्तियां, पाषाण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां। तीन तरीके की मूर्तियां हैं, जिसमें धातु की मूर्तियां, पाषाण मूर्तियां एवं मिट्टी की मूर्तियां हैं। जिसमें बारी बारी से देखेंगे धातु की मूर्तियां। धातु की मूर्तियों में मोहनजोदड़ो, चमूदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों से धातु मूर्तियाँ मिली हैं। धातु निर्मित मूर्तियों से सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो की कंस नर्तकी की कांस की मूर्ति प्रमुख है, जिसको हम चित्र में देखेंगे। दूसरा है पाषाण मूर्तियाँ। पाषाण मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से एक युवक की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो ध्यान की अवस्था में, जिसको चित्र में देख सकते हैं। हड़प्पा से दो सिरविहीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक सिलेटी पत्थर से बनी है तथा दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी है। मिट्टी की मूर्तियां। हड़प्पा में विभिन्न मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें हड़प्पाई लोग उर्वरता की देवी, जिसको चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, उर्वरता की देवी मातृ देवी की पूजा किया करते थे, क्योंकि खुदाई से इस प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं तथा कुछ मूर्तियाँ खिलौने आदि भी प्राप्त हुए हैं, जो प्रमुख हैं। देवताओं के बारे में क्या है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर देवता का अंकन है, जो तीन सींगों वाले पालथी मारे दिखाया गया है। जो चित्र में देख सकते हैं। जॉन मार्शल ने इसे पशुपति मोहर कहा है। मोहर पर अंकित देवता की चारों ओर जानवरों से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर जो चित्र में देखेंगे कि चारों ओर से यह जानवरों से घिरा हुआ है, जिसमें हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और पैरों के नीचे दो हिरण हैं। जॉन मार्शल ने इसे प्रोटोटाइप ऑफ लॉर्ड शिवा कहा है। लिंग पूजक। हड़प्पाई लोग लिंग पूजक हुआ करते थे। कालीबंगा एवं कुछ अन्य स्थलों से खुदाई से लिंग, योनि आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो इस बात को इंगित करती हैं। और भी विशेषताओं को हम हड़प्पा सभ्यता के देख सकते हैं, जैसे कि हड़प्पा के लोग वृक्षों और पशुओं की भी पूजा किया करते थे। उनका कुछ ना कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा, तभी वे वृक्षों और पशुओं की पूजा करते थे। जैसे पीपल की पूजा करते थे, कुबड़ वाला साढ़ था उसकी पूजा करते थे, एक शिंगी पशु इत्यादि की पूजा करते थे। हड़प्पाई लोगों को पराभौतिकी व शक्तियों में भी विश्वास था। जैसे खुदाई से जो ताबीजें प्राप्त हुई हैं, उनसे पता होता है या पता चलता है कि यह पराभौतिकी शक्तियों पर भी विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता में लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदड़ों से मिले हुए हैं।
सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं ओर और दूसरी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर जैसी कोई संरचना प्राप्त नहीं हुई है। ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि मंदिर की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये हड़प्पा सभ्यता से नहीं हुई है।